हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में सिखाते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्लॉट एरिया इन स्क्वायर फीट। फ्रेंड्स, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था वो आपका सेकंड पार्ट था, ये आपका थर्ड पार्ट है। इसमें आपको निकालना है स्क्वायर फीट में एरिया। स्क्वायर फीट में कैसे निकालेंगे, जो ये डायमेंशन थी जो पिछले वीडियो में थी, ये थी आपकी मीटर में, ठीक है, जो मीटर में थी आपको। बट हमें यही डायमेंशन मैंने लिया है फीट में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये एरिया निकालने में जो भी यूनिट होगी उसमें एक मिस्टेक्स हुई थी। जो मैंने ये लेंथ निकाली थी उसमें अगर ये आपकी मेजरमेंट है मीटर में, तो ये लेंथ भी आपको मीटर में निकालनी है। अगर ये लेंथ आपकी फिट में है तो ये लेंथ भी आपको फिट में ही निकालनी है। तो देखते हैं, इसका वीडियो पूरी देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इक्वल साइड आपका 4 साइड का हो सकता है, या फिर 5 साइड का हो सकता है, या फिर आपका 6 साइड का हो सकता है। तो ये एरिया आपको निकालना है साइड पे। तो सिंपल स्केल मेथड से आप निकाल सकते हैं कहीं पे भी, कहीं पे भी। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास ये आउटर आउटर डायमेंशन है, आउटर आउटर डायमेंशन है, अंदर वाली कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो आपको एरिया निकालना है। तो इसमें भी आप इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। बट आपके पास ये डायमेंशन है आउटर वाली या इनर वाली डायमेंशन नहीं है, अगर आप साइड पे जाते हो, वहाँ पे साइड पे जा करंट पे ही जाके मेजर करते हो, तो आपके लिए आसान है बिल्कुल। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप साइड पे करते हैं तो वहाँ भी आपके मिस्टेक्स होती रहती है। यहाँ पे करते हैं, आउटर डायमेंशन आपके पास है करेक्ट। अब आपको मिलीमीटर में, आपको बिल्कुल एमएम में आपको ये प्लॉट एरिया निकल जाएगा, एक बिल्कुल एक्यूरेट घर पर बैठे ही। तो हमने मेजरमेंट लिए फिट में ही ये वाली, ठीक है, फिट में हमने ले ली है। तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाली मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, तब इसका प्लॉट एरिया हम निकाल पाएंगे हेरोन फार्मूला से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल्स की मेथड से हमने स्केल बना दिया, मैं समझा देता हूँ कैसे लेना है। सबसे पहले आपको करना है, जैसे कि ए बी है आपके पास 113 फीट, 113 फीट को आपने लिया, कन्वर्ट किया मीटर में। 1 फीट में होते हैं 0.3048 मीटर। ये आपको इसने कन्वर्ट किया, बस इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, तो आपके पास आ जाएंगे मीटर। क्लियर, 113 गुना 0.0348, तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा। ऐसे ही डी सी, आपके पास डी सी लेंथ है 108 मीटर, 108 फीट, फीट को कन्वर्ट किया आपने मीटर में। बिकॉज रेशियो आसान होता है मीटर में बनाना, मीटर से मिलीमीटर में, क्योंकि इसमें रेशियो होता है 200 100, इसका रेशियो आसानी से बना सकते हैं मीटर से मीटर में। अगर आप इंच मीट फीट का भी चाहते हैं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए फिर रेशियो आपको फिर मेजरमेंट करनी पड़ेगी अपने इंच मेजरिंग टेप से इंच में ही। तो काफ़ी लंबा मेथड होता है, सबसे आसान रहता है कि आप मीटर में बस कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप सेंटीमीटर में स्केल ले सकते हैं या फिर मिलीमीटर में, ठीक है। तो कैसे फाइनल करते हैं, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया 34, तो ये 34 मीटर आ गया है। देखिए 34, आपने सभी को मेजरमेंट को कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। अब इसमें देख सकते हैं 34 मीटर तो इसमें है नहीं है, 30 मीटर तक है, मतलब 30 सेंटीमीटर आपका। अगर आप मैं इसको 34 को मेजरमेंट कर, ये मीटर में है, कन्वर्ट करना चाहेंगे सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर नहीं है। चलो इसको हाफ कर ले, सबसे बड़ी जो देख रहे, जो सबसे बड़ी लाइन है वही कोशिश करना है कि इसको कन्वर्ट कर लें आप रेशियो में। तो 34 मीटर है, इसको 34 को हाफ कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, तो आपका पास मीटर ले लीजिए अभी सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर आपके पास है, 17 सेंटीमीटर, तो आपको 17 सेंटीमीटर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो इसका रेशियो ही बना लेते हैं, अब 17 सेंटीमीटर का ही रेशियो बना लेते हैं। तो ये आपका मीटर में है, इसको आपने हाफ किया, इसको 2 से भाग किया, तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, ये मीटर में, मीटर में, तो बस इसका हाफ किया मीटर, इसका हाफ किया सेंटीमीटर, इसका हाफ किया सेंटीमीटर, क्योंकि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर का सेंटीमीटर में। अब देखते हैं स्केल क्या आता है आपके पास, रेशियो आपको निकालना है स्केल। तो आपके पास है ये वाला जो चीज़ है, ये जो मीटर है, ये आपने रखा है यहाँ पे, इतना मीटर गुना किया 1000, इससे 1000, तो ये अपने पास आ गया मीटर की लेंथ। तो इसको जो आपने रखा यहाँ पे रखा, ठीक है, इसको गुना किया यहाँ पे रखा, इसको इससे भाग, इससे ये क्या आपके पास 172। अगर आप एमएम में चाहते हैं, जैसे कि 172, 17 सेंटीमीटर, 172 मिलीमीटर मीटर में चाहते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रेशियो आपके पास ये आ जाता है। आपके पास मीटर में लेंथ है, मीटर में कन्वर्ट करना है 100 से। देखिए मैंने 1000 से ले किया, क्योंकि आपके जो मेजरमेंट ले रहे हैं, ये वाला जो स्केल ले रहे हैं मिलीमीटर में ले रहे हैं मेजरमेंट, आप कर रहे हैं जैसे कि आप करेंगे ये मेजरमेंट, तो ये आप मिलीमीटर में करेंगे, तो रेशियो आपको मीटर मिलीमीटर में निकालना है। तो आपको मीटर है, मीटर कन्वर्ट किया मिलीमीटर में, भाग करना है मिलीमीटर से, जो आपने रेशियो लिया यहाँ पे जो आता था 172 मिलीमीटर कर सकते हैं। तो सिंपल ये आपका क्लियर, और 34.4424 ये आपके पास मीटर में लेंथ है, गुना किया 100 सेंटीमीटर में आपको निकालना है रेशियो। तो
मेज़र कर सकते हैं 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे 17 तो 17.2, 17.221 तो बराबर आएगा 1:200। ठीक है, बस वही स्केल आपको निकालना है जो आप स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वही आपको स्केल फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया ये, चलो आगे देखते हैं। अब ये आपको ड्रॉ करना है, वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ क्लियरली से। आपको मेजर सबसे पहले आपको टेप करना है, ये वाला मेजर करना है, सबसे बड़ी जो रेखा है सबसे पहले रख दीजिए 108 113 113 है, ये अपन 113 ले लीजिए। ठीक है, 113 का हमने क्या अनुवर्ट किया था यहाँ पे, 113 फीट को मीटर में, मीटर में मिलीमीटर में आपको लेना है, ये अपने स्केल निकाला था। ठीक है, 172.212, तो 172 आप इसमें देखिए कहाँ पर है, तो 172 170 170 170 1 एंड 2, इसको थोड़ा हल्का सा आगे, तो पेंसिल आपकी जो निब होनी चाहिए बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने किया 172। ठीक है, अगर पूरा क्लियरली चाहते समझने के लिए तो वीडियो देख लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपने पर्का की सहायता से, डिवाइडर की सहायता से, कंपास की सहायता से इसको आपको आर्च लगा देनी है, इधर आर्च लगाना है, फिर इधर से पकड़ना है, इधर आर्च लगाना है, फिर इससे लगाना है, इधर आर्च लगाना है, इससे पकड़ना है तो इससे आर्च लगाना है, चारों आउटर डायमेंशन हो जाएगी। फिर आपको बीच में लाइन खींचनी है, तो इधर साइड में खींचनी है बीच में, ये आपको मेजर करना है, जो भी आपके पास मेजर आएगा फिर उससे आपको क्या करना है, 200 से गुना कर देना है। ठीक है, जैसे कि आपने मिलीमीटर में निकाली थी ये आपने मेजर किया मिलीमीटर में, जैसे कि आपने यहाँ पे किया ये ऐसे, ये ऐसे, यह आया था 178 72 कुछ आता है, ठीक है 181 जो भी आपका सब कुछ कीजिए 181 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 185 86 सब कुछ कीजिए 186 आ गया, तो गुना कर देना है 200 से, तो आपके पास आ जाएगा मीटर में। ठीक है, देखिए तो 186 मिलीमीटर में रेशो क्या था 200, तो 200 क्या था 37,000 37,200, ये क्या आपका मिलीमीटर, इसको भाग करना है मिलीमीटर में आ गया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग, तो क्या है 37.2 37.2 मीटर, अगेन आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको ये करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब आपने जो फिट का, जो आपके पास ये फिट था, ये आपको फिट जैसे कि आपका ये 100, ये आपके पास 113 फीट को आपने कन्वर्ट किया मीटर में, अब आप आसानी से स्केल निकाल सकते हैं। स्केल बनाने के बाद आपको सिंपल जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था वही आपको इस वीडियो में करना है। उसमें मिस्टेक यह हुई थी कि हमने इसमें जो मेजरमेंट लिया था मीटर में लिया था, और ये वाली जो मेजरमेंट कर दी हमने, सॉरी ये जो मेजरमेंट फिट कर, अगर आपके पास फिट में है मेजरमेंट कर रहे हैं स्केल निकाल रहे हैं मीटर में, तो आपके पास मिस्टेक हो गई, ये भी मीटर में होनी चाहिए तो ये भी मीटर में होनी चाहिए, अगर ये फिट में है तो ये भी फिट में होनी चाहिए, तो फिट में हम स्केल बना नहीं सकते हैं, अगर स्केल बनाएंगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, उसको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंच को फिर आप स्केल में करेंगे, तो स्केल में करने के लिए इंच एंड सूत्र में कन्वर्ट करना है पड़ता है बार बार कंच कन सूत्र में, क्योंकि इसका भी जो इंच होता है इंच से भी छोटा होता है सूत्र होता है, जिसमें 8 सूत्र होते हैं उसको भी फिर कन्वर्ट करना होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है आपको स्केल बनाने के लिए इंच और सूत्र में। अगर आप इंच अगर फिट स्केल सूत्र में लेना चाहते हैं तो स्केल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सपोज कीजिए आपके पास 113 फीट गुना करना पड़ेगा 96, तभी आपका सूत्र में निकल पाएंगे टोटल, तो फिर सूत्र में आप स्केल बनाएंगे यहाँ पे तो चेक कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है बनाना, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया सबसे सिंपल है। तो आपके पास स्केल निकल गया, अब आपको चेकआउट भी कर लेना है कि जो एरिया है, जैसे कि ये वाला एरिया है हमने लिया त्रिभुज ABCD, त्रिभुज हमारे पास ABC ये वाला त्रिभुज हो गया है, और सेकंड त्रिभुज हो गया है त्रिभुज CBD, देखो ये वाला हो गया है, एक तो ये वाला हो गया है और एक ये वाला हो गया है। ठीक है, इसका एरिया सपोज कीजिए 1 एंड 2, ठीक है इसका एरिया जो सम आएगा वो कब बराबर होगा, देखिए जैसे कि ये वाला एरिया फर्स्ट हो गया, ये वाला ABC ये वाला एरिया एंड आपका ये 2 एरिया ABD, ठीक है तो इन जो इन दोनों का प्लस आएगा और इन दोनों का प्लस आता है वो आपका बराबर होना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, त्रिभुज ABC ABC में हमने लिया डायमेंशन आपके पास 34.442 34.442 और 5.1816 5.1816। देखिए यहाँ पे आपके पास BC थी, आपके पास AC BC, तो मैंने ये हमारा अलग डायग्राम बनाया है, ये वाला अलग डायग्राम, यहाँ पे है AC, तो AC आपके पास 64 फीट है, 64 फीट को कन्वर्ट किया था मीटर में, मीटर को आपके पास 5.186 5.186।
तो पूरा लेना है 4 अंकों का, तभी आपको अच्छे से निकाल पाएंगे, इसके बराबर जाते तो एक्यूरेट निकल आती है। तो पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरा मकसद था कि आपको क्लियर कर लेना कि अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में ही आपको बीच वाली जो मेजरमेंट आएगी मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर आप फीट में ले रहे हैं तो फीट में ही कन्वर्ट करेंगे। उसका स्केल आपको डिफिकल्ट होता है, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो स्केल बना लीजिए, 113 फीट, 113 फीट को करना गुना करना 96 से, बिकॉज 1 फीट में होते हैं 12 इंच, 12 इंच और 1 इंच में होते हैं 8, तो 12 96, तो आपको सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सूत्र में स्कोल स्केल करने के लिए आपने क्या किया, 113 फीट यहाँ पे अपने स्केल क्या ऐसे इंच, ये वाले इंच हैं नीचे वाले सूत्र, तो इसमें होते हैं ये जो डबल होता है ना, सिंगल जो होता है वो आधा होता है, तो यहाँ पे आपने मेजर किया इधर से, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 × 8 48, तो 1 2 3 4 प्लस 4, ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ 52 70। तो आपको स्केल क्या हुआ आपके पास 113 96 जो आपके पास हुआ, इससे भाग करेंगे तो आपका स्केल आ जाएगा, वो ठीक होता है। अब करने के लिए जो आपको कर सकता है वो उसके लिए आसान नहीं होता है। तो इसमें देखिए मैंने सभी को पाइथागोरस फॉर्मूला से गुना कर दिया है, ये वाला त्रिभुज ABC का एरिया निकाला है 78.4843 स्क्वेयर मीटर, क्लियर, बिकॉज हम डायमेंशन ले सभी मीटर में। CBCD, अब CB और D में लेना है, ये वाला हो गया है ABC और CBD, CBD में 42.3628, ठीक है, ये वाला सेमी पेरीमीटर, इसका अपने गुनिया बना दिया है, तो 303.34 स्क्वेयर मीटर, क्लियर, टोटल एरिया आ जाता है 4108 स्क्वेयर फीट। इसका जो टोटल एरिया आता है ये वाला जो एरिया है, इसको दोनों को प्लस करते हैं तो 381.82 स्क्वेयर मीटर, ये स्क्वायर मीटर आ गया है। देखिए डिफरेंट क्या आया, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ही आता है, वो अगर कैलकुलेशन में इतना बड़ा डायग्राम निकालने में तो जस्ट ओनली सिंपल, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए। तो अगेन आपके पास ये आ गया है इसमें एरिया, इसको स्क्वायर फीट है अगर गुणा करते हैं 10.76, तो आपके पास स्क्वायर फीट में एरिया आ जाता है। अब देखते हैं सेकेंड लाइन, ये वाली जो लाइन, अब ये वाली लाइन आपकी मील आपकी कॉमन लाइन है, तो दोनों त्रिभुज की ये कॉमन लाइन है, तो इसमें आप क्या करेंगे AD और C, ADC का एरिया निकालेंगे, फिर AB और D का एरिया निकालेंगे, तो एरिया आ जाता है 51.0179 स्क्वायर मीटर, तो 51.0179 स्क्वायर मीटर प्लस, और ABD का एरिया निकालते हैं 33.2805, तो दोनों को प्लस करते हैं तो 383.82 स्क्वेयर मीटर। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस निकालते हैं 381.82 प्लस, तो 383.82, तो कितना, जस्ट ओनली 2 मीटर का डिफरेंस है, तो 382.832 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपके पास आता है 382.82 स्क्वेयर मीटर। तो करेक्ट आपको ये लेना है, दोनों का एवरेज ले लेना है, ये नहीं कि सबसे छोटा ले लिया या फिर बड़ा ले लिया, नहीं, आप एवरेज ले लीजिए तो आपके पास प्लॉट का एरिया निकल जाएगा। ये वाला मीटर में आ गया, कन्वर्ट करना है स्क्वायर फीट में, बिकॉज आपकी जो लेंथ थी स्क्वायर फीट में थी, आपकी जो लेंथ थी स्क्वायर फीट में थी, आपके पास आ गया मीटर में, तो 382.82 स्क्वेयर मीटर गुना करना है 10.76, तो 382.82 × 10.76 = 4119. ये आपके पास आ गया स्क्वेयर फीट एरिया। बस यही बेसिक्स था कि ये क्लियर करना आपको, बिकॉज पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हमें क्लियर बताइए, अगर आपके पास मेजरमेंट है मीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना है, फीट में है तो फीट में। इस तरह मेथड से आप कोई भी प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं घर बैठे, प्लॉट का एरिया मिनटों में। तो कुछ हेल्प, अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।